सो हे एवरीवन, दिस मी जैकी वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। एक्चुअली कुछ दिन पहले ये मेरे पास आ चुका था, मगर आज टाइम हुआ है इसलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। रेस्क्यू का टायर इन्फ्लेटर जो मैंने अमेजन से परचेस किया था, और इसके अंदर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है तो इसमें वारंटी कार्ड भी है। ये है वारंटी कार्ड, अभी देखेंगे इसका अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। बहुत ही छोटा है, अगर इसके साथ ये कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कितना छोटा एकदम प्रोडक्ट है। बॉक्स इतना छोटा है तो अंदर का जो सामान है वो कितना कितना छोटा हो सकता है। तो ये है वो प्रोडक्ट, साइज देखिए इसका बहुत ही छोटा है, तो बैग में आसानी से आप लोग कैरी कर सकते हो। बहुत लोगों को पता है ये प्रोडक्ट क्या है और बहुत लोगों को पता नहीं है इस प्रोडक्ट क्यों खरीदा, ये इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी मैं अगर राइड पे जाता हूँ तो रास्ते में एक बार जो टायर के हवा है वो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पास ट्यूब टायर है, उसको मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता है। तो तब अगर एयर प्रेशर कहीं पर लो हो जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर जाकर वो मैं एयर प्रेशर ठीक करूँ। तो इसलिए मैंने परचेस कर लिया टायर इन्फ्लेटर, और ये है रेस्क्यू का। बाप रे, इसके अंदर सब कुछ रखा है, बहुत सारे टायर जो है इसके अंदर वो बहुत सारा है, बहुत लंबा भी है, बहुत ही लंबा है, लेंथ बहुत ही अच्छा है इस पावर केबल का। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया है, इसको टायर के अंदर डालने के बाद ही जो हवा हम लोग रिफिल कर सकेंगे। और इसके साथ और कुछ सामान भी है जो यहाँ पे दिया है। ये जो बाइक के बैटरी के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर दोनों साइज देकर रखा है, इसको डालना पड़ेगा बैटरी के साथ, फिर ये वाला यहाँ से अटैच होगा तो काम करेगा ये। और इसके साथ दिया है और एक चीज़, ये कार के लिए है। तो इसके प्राइस के बारे में आते हैं, बहुत ही सस्ता, बहुत ही 800 रुपीज़ में मुझे अमेजोन में ऑफर चल रहा था तो 800 रुपीज़ के अंदर मुझे मिल गया था। तो अभी इसको बाइक के साथ ला के देखेंगे कि कैसा काम करता है। तो बाइक का जो ये पार्ट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। तो इसको मैंने पहले खोल लिया, उसके बाद इस पॉइंट को खोल लेंगे। से जोड़ दे, तो अभी दोनों पॉइंट को यहां से जोड़ देंगे इस तरह से, इससे यहां पर, और दूसरे वाला को यहां पर। तो इसको पहले ही ये वाला जो है उसको आट कर लेते हैं। जितना हो सके आट करना पड़ेगा, हो गया ये वाला पार्ट। अभी दूसरा वाला जो है उसको देखेंगे। बहुत ही रश पड़ गया है, और जो मेरे पास है वो वाटर बैटरी है, ड्राई सेल बैटरी नहीं है। तो ड्राई सेल बैटरी से ज़्यादा वाटर सेल बैटरी को मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो बैटरी का हालत बहुत ही खस्ता हो गया मेरा।
जब भी बैटरी आप लगाएंगे तो एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि बैटरी लूज ना हो जाए। ठीक तरह से ऐसे ही अटकन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने पकड़ लिया। ये हो गया, इसके बाद इसको कवर करना पड़ता है। इसको मैंने कवर किया और लगाऊंगा इसके ऊपर। इसको अभी अटैच करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ये वाला जो पार्ट है अच्छी तरह से आट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर पावर आ गया है, ये समझेंगे इस लाइट को देखकर। ठीक है, अभी इसको ऑन करेंगे और देखेंगे। ये 80 PSI का है, तो अभी ये जो हवा निकल रहा है अभी, तो इसके अंदर ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ेगा। तो इसके बाद तो अभी कुछ गड़बड़ हो चुका है शायद, काम नहीं कर रहा है। पहले तो चल रहा था, अभी काम भी नहीं कर रहा है। फिर इसको ओपन करेंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और दूसरी जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। लाइट चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पावर है, मगर इसके अंदर जो फैन वगैरह जो भी है, जो मोटर है, शायद वो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। तो फिर इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे अमेज़न के पास। तो अभी इसका जो मशीन है, मोटर है, वो काम कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से कुछ मैंने लूज लगाया था, तो इसलिए कुछ काम नहीं कर रहा था अभी। तो इसके अंदर हमेशा इसको आट करके रखना, नहीं तो यहाँ से यार लीक होता है। अभी यार लीक नहीं हो रहा है, तो जब भी आप खोलेंगे तो थोड़ा सा यार बाहर भी निकल आएगा। तो उसी हिसाब से आपको हवा डालना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मीटर है आफ्टर स्टार्ट, देखिए ये जो काटा है बहुत ही हिलता है। तो फिर से दिखाता हूँ, देखना फोकस पर।
तो इसको अभी डिटैच कर लेंगे यहाँ से और उसके बाद इसको रख देंगे। तो अभी मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ही बेहतर होगा क्योंकि खोलना लगाना बार बार बहुत ही हेडेक हो जाएगा। तो फिर से मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा कैसे ऐसे और इस जगह को भी इसको भी बहुत सही तरह से आट करना पड़ेगा। ये भी बहुत आट है, इसको मैंने डिटच कर लिया और इसका एक कवर भी मिलता है यहाँ पर। इस तरह का तो ऐसे अटक देंगे इसको, कभी बाहर ना निकल आए। तो ऐसे खोल कर आप बैटरी भी चेंज कर सकते हो, इन्फ्लेटर का जो केबल है उसको भी अटैच कर पाओगे। ये मेरा कंप्यूटर का टूल्स है और इसको मैंने यूज़ किया आज इस पर्पस। और अभी देखा आप लोगों ने कि ये किस तरह से काम करता है। मैंने सोचा है इसका PSI मीटर जो है वो बहुत हिलता होगा, मगर बहुत ही स्टेबल था जब भी मैंने दिखाया, बहुत अच्छा लगा ये वाला चीज़। और जब भी आप इससे आप अपना टायर का एयर फिल करोगे तो ख्याल रखना इस कांटे का और यहाँ पर दिया हुआ जो जितने सारे इंस्ट्रक्शन है इसका। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, हर जगह पे आप एफोर्ड कर पाओगे क्योंकि ये बैग के अंदर बहुत ही कम जगह लेता है तो घुस जाएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।